और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीजों को इनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात यह है कि ये अक्सर नादान है। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था, वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वह ऐसा न करते। सो इनको और जो कुछ ये इफ्तिरा करते हैं उसे छोड़ दो। और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकी बातों पर मायल हों और वो इन्हें पसंद करें, और जो काम वो करते थे वही करने लगे। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुनसिफ तलाश करूं? हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ मजामीन वाली किताब भेजी है, और जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है। सो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है जानता है। और अक्सर लोग जो जमीन पर आबाद हैं गुमराह हैं, अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते हैं। तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों को खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और उनसे भी खूब वाकिफ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। सो जिस चीज पर ज़बह के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो। और सबब क्या है कि जिस चीज पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे न खाओ? हालांकि जो चीजें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वो एक एक करके बयान कर दी हैं, बेशक उनको नहीं खाना चाहिए मगर उस सूरत में कि उनके खाने के लिए नाचार हो जाओ। और बहुत से लोग बेसमझे बूझे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ शक नहीं कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और जाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह तर्क कर दो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सजा पाएंगे। और जिस चीज पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने रफीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करें, और अगर तुम लोग उनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरिक हुए। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है, कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही ना सके? इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिमों को मौका दिया कि उसमें मक्कारियां करते रहें, और जो मक्कारियां ये करते हैं उनका नुकसान इन्हीं को है और इससे बेखबर हैं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है, जब तक उसी तरह की रिसालत हमको न मिले हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और वो अपनी पैगंबरी किसे इनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहां जिल्लत नसीब होगी और अजाब शदीद होगा, इसलिए कि मक्कारियां करते थे। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है कि हिदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है। और यही तुम्हारे परवरदिगार का सीधा रास्ता है। जो लोग गौर करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं, उनके लिए उनके आमाल के सिले में परवरदिगार के यहां सलामती का घर है और वही उनका दोस्त है। और जिस दिन वो सब जिन्न और इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ गिरोह जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में उनके दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार हम एक दूसरे से फायदे हासिल करते रहे और आखिर उस वक्त को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा अब तुम्हारा ठिकाना दोजख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे, मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है खबरदार है। और इसी तरह हम जालिमों को उनके आमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे के करीब कर देंगे। ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते
और तुम्हारे इस दिन के सामने आ मौजूद होने से डराते थे, वो कहेंगे कि परवरदिगार हमें अपने गुनाहों का इकरार है, और उन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था और अब खुद उन्होंने अपने ऊपर गवाही दी कि कुफ्र करते थे। ए नबी, ये जो पैगंबर आते रहे और किताबें नाजिल होती रहीं, तो इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार ऐसा नहीं कि बस्तियों को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के रहने वालों को कुछ भी खबर ना हो, और सब लोगों के बलिहाज आमाल दर्जे मुकर्रर हैं, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं, और तुम्हारा परवरदिगार तो बेनियाज है, साहिब रहमत है। अगर चाहे तो ऐ बंदो तुम्हें नाबूद कर दे और तुम्हारे बाद जिन लोगों को चाहे तुम्हारा जानशीन बना दे, जैसा तुमको भी दूसरे लोगों की नस्ल से पैदा किया है। कुछ शक नहीं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो पूरा होने वाला है, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। कह दो कि लोगो, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि आखिरत में बहिश्त किसका घर होगा। कुछ शक नहीं कि मुशरिक कामयाब नहीं होंगे, और ये लोग अल्लाह ही की पैदा की हुई चीजों यानी खेती और मवेशियों में अल्लाह का भी एक हिस्सा मुकर्रर करते हैं, और अपने ख्याल बातिल से कहते हैं कि ये हिस्सा तो अल्लाह का और ये हमारे शरीकों यानी बुतों का। तो जो हिस्सा इनके शरीकों का होता है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं जा सकता, और जो हिस्सा अल्लाह का होता है वो इनके शरीकों की तरफ जा सकता है। क्या आप बुरा हुक्म लगाते हैं? इसी तरह बहुत से मुशरिकों को उनके शरीकों यानी शैतानों ने उनके बच्चों को जान से मार डालना अच्छा कर दिखाया है, ताकि उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके दीन को उन पर खल्त मल्त कर दें, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा न करते। सो उनको छोड़ दो कि वो जाने और उनका झूठ। और अपने ख्याल से ये भी कहते हैं कि ये मवेशी और खेती मना है, इसे उस शख्स के सिवा जिसे हम चाहें कोई न खाए, और बाज मवेशी ऐसे हैं कि उनकी पीठ पर चढ़ना मना कर दिया गया है, और बाज मवेशी ऐसे हैं जिन पर जबह करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये सब अल्लाह पर झूठ है, वो अनकरीब उनको उनके झूठ का बदला देगा। और ये भी कहते हैं कि जो बच्चा इन मवेशियों के पेट में है वो सिर्फ हमारे मर्दों के लिए है, और हमारी औरतों को उसका खाना हराम है, और अगर वो बच्चा मरा हुआ हो तो सब उसमें शरीक हैं, यानी उसे मर्द और औरतें सब खाएं। अनकरीब अल्लाह उन्हें उनकी इस तजवीज पर सजा देगा, बेशक वो हिकमत वाला है, खबरदार है। जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफी से, नासमझी से कत्ल किया और अल्लाह पर इफ्तिरा करके उसकी अता फरमाई हुई रोजी को हराम ठहराया, वो घाटे में पड़ गए, वो बिला शुबा गुमराह हैं और हिदायत याफ्ता नहीं है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी, और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीजें फलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी उसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए, और जमीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी, बस अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, दो दो भेड़ों में से और दो दो बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ए पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और दो दो ऊंटों में से और दो दो गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको? भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तुम उस वक्त मौजूद थे? अब उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे? कुछ शक नहीं कि अल्लाह सालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सुअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए,
तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी, और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो, तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ना करते और न हमारे बाप दादा शिर्क करते और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहां तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं, फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगो आओ, मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना बल्कि हुस्न सलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल ना करना मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी न जाना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो गो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो, इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो, और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हां फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है कि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे, या ये ना कहो कि अगर हम पर भी किताब नाजिल होती तो हम उन लोगों की निस्बत कहीं सीधे रस्ते पर होते। सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है, तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और किस बात के मंतजर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले, फिर जो जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा।
कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। यह भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमाबरदार हूं। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और आका तलाश करूं, जबकि वही तो हर चीज का मालिक है, और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तिलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा, और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नाइब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब देने वाला है, और बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान भी है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम इसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हां से नाजिल हुई है उसकी पैरवी करो, और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। और कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने तबाह कर डाली, जिन पर हमारा अजाब या तो रात में आता था जबकि वो सोते थे, या दिन को जब वो कैलूला यानी दोपहर को आराम करते थे, तो जिस वक्त उन पर अजाब आता था उनके मुंह से यही निकलता था कि हाय, हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। तो जिन लोगों की तरफ पैगंबर भेजे गए हम उनसे भी पुरसिश करेंगे और पैगंबरों से भी पूछेंगे, फिर अपने इल्म से उनके हालात बयान करेंगे, और हम कहीं गायब तो नहीं थे। और उस रोज आमाल का तुलना बरहक है, तो जिन लोगों की तोलें भारी होंगी वो तो कामयाब हैं, और जिनकी तोलें हल्की होंगी तो यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि हमारी आयतों के बारे में बेइंसाफी करते थे। और हम ही ने जमीन में तुम्हारा ठिकाना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए असबाब मईशत पैदा किए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। और हम ही ने तुमको इब्तिदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सबने सजदा किया लेकिन इबलीस के वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब मैंने तुझको भी हुक्म दिया था तो किस चीज ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा कि मैं इससे अफजल हूं, मुझे तूने आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया, तू बहिश से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहां तकब्बुर करे, बस निकल जा कि तू जलील लोगों में से है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। बोला कि मुझे तो तूने गुमराह किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर इनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से और पीछे से और दाएं से और बाएं से गरज हर तरफ से आऊंगा, और तू इनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा यहां से पाजी मर्दूद, जो लोग इनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नम में डालकर तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो, और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना, वरना गुनाहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। गरज मर्दूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं, और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था?
और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है? दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना और इसी में से कयामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। ऐ बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ऐ बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते, और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता, क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं। ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुजय्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा ना उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। पूछो तो कि जो जीनत और आराइश और खाने पीने की पाकीजा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और कयामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ऐ बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो, कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरताबी की वही दोजखी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुठलाए, उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतशे जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरताबी की उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं।
ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतशे जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करती हैं। और जो लोग ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तो जिम्मेदार बनाते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहां का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता न पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और उस रोज मुनादी कर दी जाएगी कि तुम उन आमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के मालिक बना दिए गए हो। और अहले बहिश्त दोजखियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया, भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हां। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बे इंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे। उन दोनों यानी बहिश्त और दोजख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी, और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, और वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोजख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजो। और अहले आराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनों, तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा। और दोजखी बहिश्तियों से गिड़गिड़ाकर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ, या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे। और हमने इनके पास किताब पहुंचा दी है जिसको इल्म दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया है, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग इसके मजमून जाहिर होने के मुंतजर हैं? जिस दिन इसका मजमून जाहिर हो जाएगा तो जो लोग इसको पहले से भूले हुए होंगे वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक लेकर आए थे, भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो ना करें बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है, और उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो सब मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजीजी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो, वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद खराबी न करना, और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रखकर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है, और वही तो है जो अपनी रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहां तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती है तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हांक देते हैं, फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हर तरह के फल पैदा करते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जमीन से जिंदा करके बाहर निकालेंगे। ये आयात इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो जमीन पाकीजा है
उसमें से सब्जा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस ही निकलता है और जो खराब है उसमें से जो कुछ निकलता है नाकिस होता है। इसी तरह हम आयतों को शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करती। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में मुब्तला देखते हैं। फरमाया, ऐ कौम, मुझ में किसी तरह की गुमराही नहीं है, बल्कि मैं परवरदिगार आलम का पैगंबर हूं, तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैरखाही करता हूं, और मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए और ताकि तुम परहेजगार बनो और ताकि तुम पर रहम किया जाए? मगर उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अक्ल के अंधे लोग थे। और इसी तरह कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में हिमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैरखा हूं। और क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के जरिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है, क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोजिजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन में महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो तकब्बुर करते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सवाले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हां, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिला शुबा ईमान रखते हैं। तो सरदाराने मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। आखिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि सालेह, जिस चीज से तुम हमें डराते थे अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। बस उनको जलजले ने आ पकड़ा सो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फिर सालेह उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो।
हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उन लोगों से उसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया मगर उनकी बीबी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में हो गई। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा ऐ कौम अल्लाह ही की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है तो तुम नाप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ने तुमको जमात कसीर कर दिया और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं।